वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में आपको ईसीओ 402 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 22 से 26 तक करवाए जाएंगे और इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करवाए जाएंगे। तो अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्लीट हैंडआउट रीड करना पड़ेगा या फिर व्यू की जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले है 22 लेसन इस वीडियो का, जिसका टाइटल है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होती हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिसको कहा जाता है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि प्राइस टेकिंग है, प्रोडक्ट होमोजेनिटी एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। प्राइस टेकिंग का क्या मतलब है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो मार्केट होती है उसमें बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। तो इस वजह से जो फर्म्स होती हैं वो उसी प्राइस के ऊपर सेल करती हैं जो प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस होते हैं। फर्म खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होती हैं। अगर वो प्राइस अपनी मर्जी से चार्ज करेंगे तो कोई फिर खरीदेगा नहीं। और इसी वजह से सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो सेलर को भी उसी प्राइस पे ख़रीदना पड़ती है प्रोडक्ट जिस प्राइस पे अवेलेबल होती है। इसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनिटी होती है, यानी कि प्रोडक्ट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है। कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, वो एक प्रोडक्ट की जगह अगर एक प्रोडक्ट एक बायर से वो ना खरीदे तो वो दूसरे बायर से भी खरीद सकता है, सॉरी सेलर से भी खरीद सकता है। अगर वो दूसरे सेलर से भी एक ही तरह के प्रोडक्ट खरीद लेगा तो प्रोडक्ट ऐसी होमोजीनियस होती है कि पता ही नहीं लगेगा कि इसने कौन से सेलर से ख़रीदी है। तो प्रोडक्ट्स एक जैसी होती हैं, सब्स्टिट्यूट होती हैं, मिलती जुलती प्रोडक्ट होती हैं। एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और जो एंट्री और एग्जिट होती है वो भी ईजिली होती है। बायर भी एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की तरफ स्विच कर सकते हैं और सेलर भी जो है वो ईजिली मार्केट के अंदर आ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए गए, व्हाट आर सम बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, क्या बैरियर हो सकते हैं एंट्री और एग्जिट के, और तमाम मार्केट्स क्या कॉम्पिटिटिव मार्केट होती हैं, एंड व्हेन इज़ अ मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव, यानी एक मार्केट कब हाईली कॉम्पिटिटिव होती है, और डू फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्या फर्म्स जो वो मैक्सिमाइज करती हैं अपने प्रॉफिट को। नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा फर्म के ऑब्जेक्टिव्स कुछ दूसरे भी हो सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा। वो क्या है? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, यानी अपनी सेल को बढ़ाना। बहुत सी फर्म सेल को बढ़ाने के ऊपर फोकस करती हैं अपनी। बहुत सी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं डिविडेंड मैक्सिमाइजेशन, यानी डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट शेयर के ऊपर उसको मैक्सिमाइज करना, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी फर्म का। उसके अलावा शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कुछ फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लॉन्ग रन नहीं होता। शॉर्ट रन से मुराद ये कि 1 ईयर 2 ईयर इस तरह करके। नाउ द इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, अगर किसी फर्म के नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स होंगे यानी कि प्रॉफिट का उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो उसके फिर इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर कोई फर्म ऐसी है जो लॉन्ग रन प्रॉफिट नहीं कर रही है तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे कंपनी को, वो अपना पैसा निकाल लेंगे और वो दूसरी कंपनी में लगा लेंगे। उसके अलावा और बगैर प्रॉफिट के एक फर्म जो है वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकती। सो लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो वैलिड एंड डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। नाउ द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो अब प्रॉफिट है क्या? नाउ द डिटरमाइनिंग, पहले यहाँ लिखा हुआ है कि डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसमें प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, उसमें से जब हम टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही होगी, तो हमारा जो है वो प्रॉफिट आता है। टोटल रेवेन्यू आर इज इक्वल्स टू द पी क्यू एंड द टोटल कॉस्ट सी इज इक्वल्स टू द सी क्यू। सो देयर फॉर प्रॉफिट विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू, प्रॉफिट जो कि फंक्शन है क्यू का, वो बराबर है आर जो कि फंक्शन है क्यू का माइनस कॉस्ट विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू। नाउ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट रन, अब ये ग्राफ दिखाया जा रहा है, इसमें जो है वो वाई एक्सिस पे है कॉस्ट, रेवेन्यू या प्रॉफिट y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमें दिखाया जा रहा है आउटपुट यूनिट्स पर ईयर, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें दिखाया जा रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा स्लोप है ये है रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का, यानी टोटल इनकम का ये पूरा स्लोप है। एंड स्लोप ऑफ आर क्यू विच इज़ द रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी कि एडिशनल रेवेन्यू के। तो जितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कहीं पे, उतना ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू बढ़ता जाता है, उतनी ज़्यादा जो है वो इनकम में इजाफा होता चला जाता है, उतनी ज़्यादा सेल्स में इजाफा होता चला जाता है। और जो दूसरा ग्राफ है उसमें जो है उसमें भी एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिखाया जा रहा है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह दिखाया जा रहा है। तो अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है? टोटल कॉस्ट दिखाई जा रही है हमें। ये जो दिखाया जा रहा है कर्व, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है ये टोटल कॉस्ट का है। अब जो टोटल कॉस्ट है वो
वो भी बढ़ती चली जाएगी। जितनी जितना आउटपुट में इजाफा होगा, जाहिर बात है जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी किसी भी फर्म की, तो उतनी ज़्यादा टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ती रहेगी। तो सो स्लोप ऑफ सी क्यू इज इक्वल्स टू द एम सी, एम सी इज द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल से मुराद एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी एडिशनल यूनिट की जो कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो जितनी ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा टोटल कॉस्ट में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ देखें इस पॉइंट पे, जब जीरो है आउटपुट टोटल, तब भी टोटल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि टोटल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। टोटल कॉस्ट इसलिए ज़ीरो नहीं होती क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी होती है हमेशा, और फिक्स कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल होती है, इसलिए हमेशा टोटल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नाउ दी मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है, एडिशनल रेवेन्यू को कहा जाता है, जब एक से एक ज़्यादा यूनिट और प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस पर जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि एडिशनल यूनिट का जो एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट समरात कोई भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब ये ग्राफ जो है, इसमें ये ऊपर जो आपको दोनों ग्राफ दिखाए गए, ये वाला टोटल रेवेन्यू वाला और टोटल कॉस्ट वाला, इन दोनों को मर्ज करके ये ग्राफ बना दिया गया है। इसमें ये टोटल कॉस्ट जा रही है और ये जा रहा है टोटल रेवेन्यू, और यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिखाया जा रहा है। इस पॉइंट पे जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, और ये दिखाया जा रहा है प्रॉफिट को कि कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है और कहाँ पे प्रॉफिट कम है। यहाँ पे प्रॉफिट कम है और इस पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सबसे कम है और यहाँ कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। तो इस जो ये जो यूनिट होगा, इतने जो आउटपुट प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा प्रोड्यूस, और यहाँ पे सबसे कम प्रॉफिट होगा, और इससे पहले तो नेगेटिव में जा रहा है प्रॉफिट, यानी माइनस में जा रहा है। तो नाउ अब देखते हैं मैथमेटिकली तौर पे, कंपेयरिंग आर क्यू एट डी सी क्यू, आर इज द रेवेन्यू, डी सी इज द क्यू। तो आउटपुट लेवल जब जीरो माइनस क्यू नॉट है, यानी कि यहाँ ये जीरो माइनस क्यू नॉट है, जब ये आउटपुट है, इतना लेवल है आउटपुट का यहाँ से यहाँ, तो इस आउटपुट लेवल पे क्या होगा? कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी और जो रेवेन्यू है वो कम है, यानी कि इनकम कम आ रही है और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये जो कॉस्ट का कर्व जा रहा है, ये है कॉस्ट का कर्व, ये ज़्यादा है, और ये जो रेवेन्यू का कर्व जा रहा है ये नीचे है। तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और जो रेवेन्यू है उसमें कमी है। सो द कॉस्ट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू। तो नेगेटिव प्रॉफिट कब होता है? जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है ये दोनों की दोनों रेवेन्यू से ज़्यादा हों, तब हम कहते हैं नेगेटिव प्रॉफिट, यानी कि नुकसान होना। और मार्जिनल रेवेन्यू भी जाहिर बात है कम होता है मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले में, यानी कि जो एडिशनल रेवेन्यू है वो एडिशनल कॉस्ट के मुकाबले में कम होता है। इंडिकेट्स करता है कि हायर प्रॉफिट कब होंगे? जब हायर आउटपुट होगा, जब हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। सो वाई इज प्रॉफिट नेगेटिव व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो? जब आउटपुट ज़ीरो है, बिल्कुल भी कोई आउटपुट नहीं है, तो प्रॉफिट ज़ीरो क्यों है? अब एक ये क्वेश्चन उठता है। सो दी आउटपुट लेवल्स क्यू नॉट माइनस क्यू स्टार, जब आउटपुट लेवल क्यू नॉट माइनस क्यू स्टार, जब ये इतना आउटपुट लेवल है, क्यू नॉट से क्यू स्टार है, हम जीरो से क्यू नॉट पे थे, अब हम है क्यू नॉट से क्यू स्टार, इतना जब आउटपुट है इन दोनों के दरमियान होगा तो क्या होगा? तो रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगा हमारा कॉस्ट के मुकाबले में। अब जो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में हमारे इजाफा होने, कॉस्ट हमारी गिरना शुरू हो गई है और जो हमारा रेवेन्यू उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है, तो रेवेन्यू हमारा जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट के मुकाबले में, लेकिन अभी भी हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले में कम है, यानी कि एडिशनल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा हो गया और एडिशनल कॉस्ट हमारी कम हो गई। तो एडिशनल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा आ रहा है और एडिशनल कॉस्ट कम आ रही है। इंडिकेट्स करता है कि हायर प्रॉफिट जो है वो हायर आउटपुट पर होगा, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा जब हमारी आउटपुट ज़्यादा होगी और हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस स्टेज पे हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, अभी हमारा प्रॉफिट पीक पे नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ क्यू नॉट से क्यू स्टार तक हमारा प्रॉफिट में इजाफा होता जा रहा है। तो अब जब ये इजाफा हो रहा है, तो जब हमारा आउटपुट लेवल जो है वो क्यू स्टार पे पहुंच गया, अब ये जब क्यू स्टार पे पहुंचा, क्यू नॉट से क्यू स्टार के दरमियान, तब क्यू स्टार पे पहुंच गया, जब क्यू स्टार इस लेवल पे पहुंच गया तो हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो गया। जो हमारा रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है। तो अब आप ये देख सकते हैं, जो ये हमारे प्रॉफिट का जो कर्व है, यहाँ ये बढ़ता जा रहा था, अब ये मैक्सिमम पीक पे पहुँच चुका है इस पॉइंट के ऊपर, क्यू स्टार में ये मैक्सिमम पहुँच चुका है। तो अब हम जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर मौजूद हैं यहाँ पे।
तो अब क्यू स्टार का मतलब है हमारा, और यहाँ पे हमारा रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट के बराबर है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर गया, हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, हमारी कॉस्ट में कमी आ गई, हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। सो वाई इज प्रॉफिट रिड्यूस व्हेन प्रोड्यूसिंग मोर और लेस देन क्यू स्टार। अब जब हम क्यू स्टार से बियॉन्ड जाते हैं तो अब देखना है हमने, तो आउटपुट लेवल बियॉन्ड क्यू स्टार, अब हम क्यू स्टार तक पहुंच गए जहां पे हमारा मैक्सिमम हो गया था प्रॉफिट। अब जब हम क्यू स्टार से आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा रेवेन्यू जो है वो तो कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी कि हमारा अभी भी रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट के मुकाबले में, रेवेन्यू वाला हिस्सा ज़्यादा है, कॉस्ट वाला कम है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई, अब हमारी मार्जिनल कॉस्ट में इजाफा होना शुरू हो गया, और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो गिर रहा है। सो प्रॉफिट अब हमारा गिरता चला जाएगा जब हम क्यू स्टार की क्वांटिटी से बियॉन्ड कर जाएंगे। देयरफॉर इट कैन बी सेड, अब ये कहा जाएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होते हैं जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। सो प्रॉफिट बराबर है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और चेंज इन द रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है चेंज इन द रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन द क्वांटिटी, और सॉरी MC इज इक्वल्स टू विच इज द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन द कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होते हैं, जब चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई द चेंज इन क्वांटिटी बराबर होता है चेंज इन रेवेन्यू डिवाइडेड बाई द चेंज इन क्वांटिटी माइनस चेंज इन द कॉस्ट डिवाइडेड बाई द चेंज इन द क्वांटिटी, और ये बराबर है जीरो के। या फिर हम सिंपल वर्ड में क्या है तो MR माइनस MC विच इज द मार्जिनल रेवेन्यू में से जब हम मार्जिनल कॉस्ट को निकालेंगे तो वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को जब हम निकालते हैं तो वो जीरो होता है। तो कॉम्पिटिटिव फर्म के बारे में अब आप कुछ पॉइंट जहन में रखें कि ये प्राइस टेकर होती हैं, मार्केट आउटपुट को हम क्यू कहते हैं, उसको बड़े क्यू से डिनोट करते हैं, फर्म का आउटपुट स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि फर्म का आउटपुट कम होता है, मार्केट डिमांड को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं क्योंकि वो बड़ी होती है, और फर्म की डिमांड को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और आर ए क्यू वो जो है रेवेन्यू की जो है लाइन वो इस एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ द डिमांड एंड द मार्जिनल रेवेन्यू फेस बाय कॉम्पिटिटिव फर्म, अब ये यहाँ इंडस्ट्री और फर्म इन दोनों के ग्राफ दिए गए हैं। तो वाई एक्सिस पे जो है हमें दिखाया गया है वर्टिकल जो लाइन है ये है प्राइजेस, एंड द एक्स एक्सिस पे जो दिखाया गया हमें हॉरिजॉन्टल पे हमें दिखाया गया आउटपुट। तो इंडस्ट्री के मुताबिक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ है, यानी $4 जो है प्राइस डिटरमाइंड हो गई इंडस्ट्री को। तो फर्म को भी यही प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगी, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल सेलर जो है वो उससे ज़्यादा अगर करता है प्राइस को तो सेल ज़ीरो होगी, और अगर प्राइस घटाता भी है तो उससे भी वो अपनी सेल बढ़ा नहीं सकता। तो इसी वजह से प्राइस बराबर है डिमांड के, बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, बराबर है एवरेज रेवेन्यू के। तो प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है, वहीं पर जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और वो बराबर है प्राइस के। नाउ द चूजिंग आउटपुट इन द शॉर्ट रन, सो अब शॉर्ट रन के अंदर किस तरीके से आउटपुट चूज करती है फर्म, अब ये ग्राफ दिया गया है, इसमें प्राइस जो है वही वाई एक्सिस पे है और आउटपुट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जा रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जा रहा है, जो पहले डिक्रीज होती है मार्जिनल कॉस्ट और उसके बाद फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जा रहा है जो कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर है। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के जहाँ बराबर होगा वहीं पर ही उसी क्वांटिटी को फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ये जो क्यू स्टार की क्वांटिटी यही फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ आ रही है, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कम है मार्जिनल कॉस्ट के, जो प्राइस चार्ज कर रही है फर्म जो प्राइस चार्ज कर रही है एवरेज टोटल कॉस्ट उससे कम है, अब उससे कम है तो फर्म जो है वो प्रॉफिट बना रही है। तो ये जो पूरा हिस्सा है एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर और प्राइस तक जितना हिस्सा होता है इसको प्रॉफिट कहा जाता है, ये पूरा हिस्सा जो है वो फर्म का एक प्रॉफिट है, ये पूरा हिस्सा जो है वो फर्म प्रॉफिट है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये उससे नीचे जा रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये ग्राफ है और एवरेज टोटल कॉस्ट, और एवरेज टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट शामिल होती हैं, फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की दोनों शामिल होती हैं। इसमें है कॉम्पिटिटिव फर्म इनकरिंग लॉस, अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो फर्म लॉस इनकर कर रही है उसको यहाँ दिखाया गया। तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट अगर प्राइस से ज़्यादा होगी तो फर्म जो है वो लॉस इनकर करेगी, ये है प्राइस का कर्व, प्राइस का कर्व हॉरिजॉन्टल होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। तो प्राइस से ज़्यादा अगर एवरेज टोटल कॉस्ट होगी तो फर्म लॉस इनकर करेगी, और ये पूरा जो बॉक्स बन है ये पूरा लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द चूजिंग आउटपुट इन शॉर्ट रन, अब शॉर्ट रन में जो आउटपुट चूज करती है फर्म उसको
किस तरीके से करती है, तो उसमें की समरी दी गई है कि प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज वहाँ होगा जहाँ पे एमसी बराबर होगा एमआर, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है तो वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। अगर प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो फर्म जो है वो प्रॉफिट बना रही है, लेकिन अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है तो लॉस होगा, लेकिन फर्म को लॉस पर प्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए और एवरेज टोटल कॉस्ट इन दोनों कॉस्ट से कम हो जाए तो फिर फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम है प्राइस के मुकाबले में, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा है तो इसलिए लॉस होगा, लेकिन शट डाउन वाली सिचुएशन नहीं आई है। नाउ द शॉर्ट रन आउटपुट ऑफ एन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, अब इसके बताया गया है तो इसमें तीन दो प्राइस लेवल बताए गए हैं, एक P1 और एक P2। P1 जो है वो 1200 से 1300 के दरमियान प्राइस लेवल है और P2 प्राइस लेवल है 1400 और 1300 के दरमियान। तो जो P1 प्राइस लेवल है उसमें 600 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है और P2 प्राइस लेवल में 900 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर फर्म जो है वो प्राइस लेवल जो है वो 1140 से कम हो जाता है, अगर प्राइस लेवल यहाँ पे आ जाता है सपोज, तो फिर फर्म को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए क्योंकि फर्म जो है फिर वो लॉस में रहेगी, लेकिन P1 या P2 पे फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है आउटपुट। नाउ दिस सम कंसिडरेशन फॉर मैनेजर्स, अब तीन गाइडलाइंस है एस्टिमेटिंग करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट को। तो पहली चीज़ तो ये कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये एक एडिशनल कॉस्ट है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की। और उसके अलावा सिंगल आइटम्स ऑन फर्म्स अकाउंटिंग लेजर में हैव टू कंपोनेंट, जो सिंगल आइटम होता है फर्म्स अकाउंटिंग लेजर का उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, सिर्फ एक में ही मार्जिनल कॉस्ट इन्वॉल्व है तो उस पर फोकस किया जाए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए जब मार्जिनल कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये वो कॉस्ट है एक काम की जगह दूसरा काम इंसान करता है तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस वक्त आप इस ट्यूटोरियल को इस लेक्चर को सुन रहे हैं, इसकी जगह आप कोई फ़नी वीडियो भी देख सकते थे, कोई गेम भी खेल सकते थे, तो आपने कॉस्ट पे किया, आपने जो टाइम लगाया ये आप कॉस्ट पे कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ दी फर्म्स कॉम्पिटिटिव फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, तो इसमें जो है वो ये प्राइस वन है और जहाँ पे अगर प्राइस वन इतनी प्राइस अगर होगी तो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी और अगर इतनी प्राइस होगी तो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। जब प्राइस बढ़ती है तो तब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोड्यूस होना, और इतनी प्राइस है तो वो जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी अगर यहाँ पे प्राइस है। लेकिन ये प्राइस जो है ये मार्केट से डिटरमाइन होती है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है वो मार्केट से डिटरमाइन करती है, जो मार्केट में प्राइस का लेवल होता है वही चार्ज करेगी फर्म खुद से कोई भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। सो नाउ दी ऑब्जर्वेशन ये आई कि प्राइस जो है वो MR के बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, और जो MR है वो MC के बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो फिर इस हिसाब से प्राइस बराबर हो गया मार्जिनल कॉस्ट के। नाउ दी सप्लाईज दी अमाउंट ऑफ आउटपुट फॉर एवरी पॉसिबल प्राइस, तो अगर सपोज पी जो है वो बराबर है P1 के, अगर प्राइस बराबर है P1 के तो क्वांटिटी क्या होगी Q1 होगी, अगर प्राइस बराबर है P2 के तो इनकी क्वांटिटी दी Q2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर P1 है प्राइस तो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी Q1, और प्राइस P2 है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी Q2, और अगर प्राइस यहाँ पर है सपोज तो फिर प्राइस बराबर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल या उससे कम अगर होती है प्राइस तो फिर शट डाउन करना पड़ेगा, यानी बंद करना पड़ेगा फर्म को। नाउ दी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न, जो रिटर्न हैं वो डिमिनिशिंग रिटर्न है यानी कि कम होता है रिटर्न। हायर प्राइस कंपनसेट द फर्म फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ एडिशनल आउटपुट एंड इंक्रीजेस टोटल प्रॉफिट बिकॉज इट अप्लाइज टू ऑल यूनिट, जब हायर प्राइस चार्ज की जाएगी तो उससे क्या होगा, अगर हायर कॉस्ट आती है एडिशनल आउटपुट की यानी एक्स्ट्रा आउटपुट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती भी है तो हायर प्राइस होने की वजह से वो उसको कंपनसेट कर देगी और इंक्रीज करेगी टोटल प्रॉफिट को, क्योंकि ये तमाम यूनिट्स पर अप्लाई होता है। नाउ द फर्म रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इनपुट प्राइस चेंज, अगर इनपुट की प्राइस में चेंज आ जाता है, जो इनपुट है उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है तो क्या होगा, इनपुट की अगर प्राइस में इजाफा हो जाता है तो MC कर्व विच इज़ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व शिफ्ट कर जाएगा यहाँ MC1 से MC2 पे शिफ्ट कर जाएगा। तो फर्म किस तरीके से अपने आप को मतलब जो लॉस है उससे किस तरह बचाएगी, वो क्या करेगी, Q1 जहाँ क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, फर्म जो है वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी क्योंकि फर्म अब ज़्यादा उसकी जो कॉस्ट आ रही है मार्जिनल कॉस्ट वो ज़्यादा आ रही है प्रोड्यूस करने की। नाउ दी शॉर्ट रन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन का बताया गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या,
अगर 25 से 24 से 25 है अगर प्राइस, तो ये क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी 9000 और 10000 के दरमियान वाली, और 25 से 26 से तो 11000 और 10000 के दरमियान क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर 23 है प्राइस, तो फिर प्रोड्यूस करना फ़ायदेमंद नहीं है, तो फिर प्रोड्यूस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर 23 प्राइस है तो। नाउ दी शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व, अब इसमें जो है वो तीन MC कर्व हैं, क्योंकि तीन सप्लायर हैं इसी वैसे, और ये जो है वो सप्लाई कर्व शो किया जा रहा है। अगर प्राइस जो है वो P2 है तो आउटपुट जो है वो 15 होगा यानी 15 होगा, और अगर प्राइस जो है वो P3 है तो आउटपुट होगा 21, यानी जितने ज़्यादा प्राइस बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा आउटपुट बढ़ता जाता है। नाउ दी लेक्चर नंबर 24, इसका टाइटल है इक्विलिब्रियम इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, यानी जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मार्केट्स होती हैं उनमें इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होती है। नाउ दी इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई, अब इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई की हम बात करें तो इसका फार्मूला है ES इज इक्वल टू दी चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये साइन डेल है डेल्टा, और इसको हम कहते हैं, इसको हम चेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, साइन का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, और फिर इस पूरे ब्रैकेट को हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस से। अब आपके सामने कुछ ये स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं वर्ल्ड कॉपर इंडस्ट्री के, और 1999 की बात है ये, कि कितनी एनुअल प्रोडक्शन हुई, कितनी मार्जिनल कॉस्ट आई, तो जो कंट्रीज वाइज दिया हुआ है, टोटल कंट्री वाइज, किसी एक फर्म का नहीं दिया हुआ, पूरी कंट्री का दिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 600 जो प्रोडक्शन हुई, एनुअल प्रोडक्शन हुई था 600,000 मेट्रिक टन हुई, और जो उस पर मार्जिनल कॉस्ट आई वाइज 0.65, और इसी तरह कनाडा के अंदर 710 हुई और 0.75 आई, चिली के अंदर 3,660 हुई 0.50 कॉस्ट आई मार्जिनल कॉस्ट, और इंडोनेशिया में आई 750 और 0.55 मार्जिनल कॉस्ट आई। इस तरह और भी कंट्रीज़ का दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। और अब इसी चीज़ को जो यहाँ फिगर्स बताए गए उन्हीं को ग्राफ में प्लॉट कर लिया गया है। एक तरफ तो प्रोडक्शन बताई जा रही है यहाँ एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में उसकी प्राइस बताया जा रहा है कितनी मार्जिनल कॉस्ट आई, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है और यहाँ मैट्रिक टन है, और उसी चीज़ को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। नाउ द प्रोड्यूसर सरप्लस इन द शॉर्ट रन, अब प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो एक प्रोड्यूसर कितने प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, और मार्केट में कितनी प्राइस पे वो चीज़ सेल हो रही है। अब जितनी ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगी प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेड प्राइस से, जितनी प्राइस चार्ज करना चाहता है, तो उस डिफरेंस को हम कहेंगे सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। जितना ज़्यादा मार्केट में प्राइस होगी प्रोड्यूसर की प्राइस से, उतनी ज़्यादा उसको हम कहेंगे सरप्लस। और यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई इसके मुताबिक प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब है मार्केट प्राइस किसी भी गुड की और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उन दोनों के दरमियान जितना फ़र्क होगा उसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। और यहाँ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि ये चीज़ जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना प्रोड्यूसर का सरप्लस है। और प्रोड्यूसर सरप्लस इन द शॉर्ट रन, अब इसका फार्मूला अगर देखें तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला है R-VC विच इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट का फार्मूला है R-VC विच इज़ द वेरिएबल कॉस्ट माइनस द फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अब ऑब्जर्वेशन है शॉर्ट रन विद दी पॉजिटिव फिक्स कॉस्ट, अगर शॉर्ट रन जो है वो पॉजिटिव फिक्स कॉस्ट के साथ होगी तो प्रोड्यूसर का सरप्लस प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। अब ग्राफिकली एक और प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाया गया है जो थोड़ा इजी है समझने में, तो प्रोड्यूसर सरप्लस इतना हिस्सा है, प्रोड्यूसर इतने प्राइस चार्ज कर सकता था लेकिन मार्केट के अंदर इतने प्राइस हैं तो प्रोड्यूसर को इतना ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, ये देख सकते हैं इतना प्राइस प्रोड्यूसर चार्ज करना चाहता था इतना, और उसको इतना प्राइस मिल रहा है, तो इतना हिस्सा जो ये इतना गैप आ रहा है ये इतना सारा इसको सरप्लस मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। नाउ द चूजिंग आउटपुट इन द लॉन्ग रन, अब लॉन्ग रन में होता क्या है कि आउटपुट जो है कंपनीज अपनी बढ़ा सकती हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उतने बढ़ा सकते हैं, अपना प्लांट वगैरह मशीनरी वगैरह जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट रन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो जाहिर बात है लॉन्ग रन में ज़्यादा प्रॉफिट भी फर्म अर्न कर सकती है। अब इस ये ग्राफ दिया गया है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है, लेकिन इसको कुछ समझें आप तो आपकी समझ में आ जाएगा, तो कुछ मेन चीज़ें समझ लें काफ़ी होगी आपके लिए। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ये है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है,
मार्जिनल कॉस्ट समराइज जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट है, इसी तरह से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। तो इसमें लॉन्ग रन कॉस्ट भी और शॉर्ट रन कॉस्ट भी दोनों दिखाई गई हैं समझाने के लिए। और ये दिखाई गई पी इजिकल्स टू एम आर एन के प्राइस लेवल। अब प्राइस $30 भी हो सकते हैं, 40 होंगे और 30 भी। तो अब ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पर। अगर $40 प्राइस है सपोज, तो लॉन्ग रन के अंदर जो प्रोडक्शन होगी वो होगी यहाँ पे। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जब बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के यहाँ पे, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जा रहा है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो यहीं पर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। जब इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी जो जो प्रॉफिट है वो है ई एफ जी और डी। ये इतना बड़ा हिस्सा जो है ये प्रॉफिट है फर्म का लॉन्ग रन के अंदर, इतना बड़ा प्रॉफिट। और जबकि अगर हम शॉर्ट रन की बात देखें तो शॉर्ट रन में सिर्फ इतना प्रॉफिट था, ए बी सी और डी, सिर्फ इतना प्रॉफिट था क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ थी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क आ जाता है लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट के अंदर। नाउ दी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, अब इन दोनों में फर्क क्या है। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू में से जब लेबर की कॉस्ट निकाल देते हैं, यानी मजदूर की जो कॉस्ट है उसको हम निकाल देते हैं रेवेन्यू में से, इनकम में से, तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया जो अकाउंटेंट्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक और चीज़ ऐड कर दी जाती है, वो है आरके। आरके का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पहले भी बताई गई थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये कि एक कैपिटल एक काम में आपने लगाया हुआ है, अगर आप जो दूसरे काम में लगाते तो उसकी आपने कॉस्ट पे किए कि एक काम में लग रहा है तो दूसरे काम को छोड़ के, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसको भी माइनस किया जाएगा, रेवेन्यू माइनस लेबर कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। अब ना यहाँ पे जीरो प्रॉफिट का दिया हुआ है, अब कुछ बताया गया है कि लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक प्रॉफिट भी पॉसिबल है टेम्परेरी तौर पर। लेकिन होता क्या है कि फर्म जो है वो इंटर होना शुरू हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि प्रॉफिट में जा रही है फर्म, एक फर्म को प्रॉफिट में देखते बाकी सारी फर्म भी इंटर होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर फर्म जो है वो लॉन्ग रन के अंदर कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों तरह के केसेस मौजूद हैं हमारे पास। नाउ दी एंट्री एंड दी एग्जिट, अब एंट्री और एग्जिट की ही बात की गई है। तो लॉन्ग रन रिस्पॉन्स टू शॉर्ट रन प्रॉफिट इज टू इंक्रीज आउटपुट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट्स विल अट्रैक्ट अदर प्रोड्यूसर्स। अगर प्रॉफिट होंगे तो लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फर्म इंटर होने शुरू हो जाएंगी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मोर प्रोड्यूसर इंक्रीज इंडस्ट्री सप्लाई विच लोअर्स दी मार्केट प्राइस। अब होगा क्या कि लॉन्ग रन के अंदर फर्म अगर ज़्यादा इंटर होना शुरू हो जाएंगी, शॉर्ट रन के अंदर उन्होंने देखा कि प्रॉफिट हो रहा है तो इंडस्ट्री के अंदर, तो वो ज़्यादा फर्म जब इंटर हो जाएंगी तो लॉन्ग रन के अंदर फिर प्रॉफिट्स गिर जाएंगे फर्म के क्योंकि मार्केट प्राइस गिर जाएंगे। अब है लेक्चर नंबर 25, इसमें है इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स कंटिन्यूड। अब ये है लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम दिया है, इसमें इंडस्ट्री का ग्राफ है और ये है फर्म का ग्राफ। इंडस्ट्री का ग्राफ जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक इसके अंदर प्राइस डिटरमाइन होता है। यहाँ पर प्राइस जो है वो पी वन है पहले, जहाँ पर सप्लाई का एस कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व को, ये जो है वो पी वन प्राइस है। जब पी वन प्राइस होगी तो फर्म को भी वही प्राइस रखना पड़ेगी, यानी $40 जो बन रही है। लेकिन अगर इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट पे तो प्राइस जो है वो गिर जाएगी, यानी सप्लाई में जब इजाफा हो जाएगा जब फर्म्स आ जाएंगी। लॉन्ग रन के अंदर होता क्या है कि जब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही होती है फर्म तो बाकी फर्म भी प्रॉफिट देख के उसमें इंडस्ट्री में इंटर होना शुरू हो जाती है। जब वो इंडस्ट्री में इंटर होना शुरू हो जाती है तो सप्लाई इंडस्ट्री के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ती है तो पूरी इंडस्ट्री की प्राइस गिर जाती है। तो पी वन से प्राइस पी टू हो जाएंगे और फर्म को फिर 40 से 30 प्राइस चार्ज करना पड़ेंगे। तो फर्म का जो प्राइस है वो 40 पे आ जाए, 40 से 30 आ जाएगा, तो इससे फिर फर्म का प्रॉफिट गिर जाएगा और फर्म जो है वो फिर प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेगी। सो लॉन्ग रन कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एमसी जो है वो एमआर के बराबर होता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, प्राइस जो बराबर है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, एंड नो इंसेंटिव टू लीव फॉर इंटर, इकोनॉमिक प्रॉफिट इसमें जीरो होता है। नाउ द इकोनॉमिक रेंट, अब कॉन्सेप्ट आया है इकोनॉमिक रेंट का। इकोनॉमिक रेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इस बात को शो करता है कि अक्सर चीज़ों के कुछ नेचुरल एडवांटेज होता है, कुछ लोकेशन का एडवांटेज होता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। दोनों चीज़ सेम है लेकिन लोकेशन की वजह से किसी एक चीज़ की ज़्यादा जो है वो मार्केट में प्राइस लग सकती है, उसको ज़्यादा पैसों में बेचा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रेंट को। उसको हम अकाउंटिंग के अंदर तो नहीं रिकॉर्ड करते लेकिन इकोनॉमिकली उसको रिकॉर्ड किया जाता है इकोनॉमिक रेंट के नाम से। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, ए सपोज देर आर टू फर्म्स, दो फर्म्स है ए और बी, बोथ देयर ऑन लैंड, उनकी अपनी अपनी ज़मीनें हैं। ए जो है वो लोकेटेड है रिवर के पास,
जहाँ पर दरिया है वहाँ पर है, और उसकी लोकेशन की वजह से उसकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है उसमें तकरीबन 10,000 डॉलर तक कमी आ जाती है बी के कंपेयर में। तो डिमांड फॉर ए जो है वो रिवल लोकेशन इंक्रीज़ करती है प्राइस जो है वो लैंड की 10,000 डॉलर से। तो इकोनॉमिक रेंट जो ए का है वो कितना हो गया 10,000 डॉलर, तो इसको हम कहते हैं 10,000 डॉलर। तो लोकेशन की वजह से जो एडवांटेज मिल रहा है 10,000 डॉलर का, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक रेंट को। और यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई इकोनॉमिक रेंट की वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट फर्म्स आर विलिंग टू पे फॉर एन इनपुट लेस देन द मिनिमम अमाउंट नेसेसरी टू ऑब्टेन इट। यानी जो एक मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम एक कॉस्ट है, मिनिमम जो एक प्राइस है किसी चीज़ की, लोकेशन की वजह से फर्म्स उससे ज़्यादा पे करना चाहती हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रेंट, उसको हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट को ग्राफ के थ्रू समझाया जा रहा है। तो फर्म अर्न जीरो प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो अब दो केस स्टडी, एक केस स्टडी को दो हिस्सों में यहाँ डिवाइड किया गया है कि एक बेसबॉल की टीम है जो टिकट सेल करती है किसी एक छोटे से सिटी के अंदर। तो जब वो किसी छोटे सिटी में करेगी तो उसको $60 मिलेंगे, $60 में वो करेंगे सेल। जब $7 में करेंगे तो $7 जो है, जो उनको प्राइस मिल रहे हैं वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर है, LAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर है। लेकिन वही टीम अगर किसी बड़े सिटी में जाके सेल करती है टिकट्स को, जहाँ पे लोग ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, तो वो जो है सात के बजाय $10 तक बेच सकते हैं अपने टिकट्स को। तो इकोनॉमिक रेंट उनको जो है ये इतना हिस्सा इकोनॉमिक रेंट का मिल रहा है, यानी कि $3 जो मिल रहे हैं उनको एक्स्ट्रा, वो इकोनॉमिक रेंट है। और उसमें देख सकते हैं आपके यहाँ पे $7 तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर है, लेकिन जो $10 है ये उससे ज़्यादा है, तो ये इकोनॉमिक रेंट इनको मिल जाएगा। इसी तरह से द इंडस्ट्री फॉर द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। अब लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इंडस्ट्री का दिया गया है कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर। जब कॉन्स्टेंट कॉस्ट होती है तो तब कैसा होता है लॉन्ग रन सप्लाई जो इंडस्ट्री का। कॉन्स्टेंट से मुराद यानी जो इनपुट होता है, जो इनपुट यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उसकी कॉस्ट सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये इंडस्ट्री का ग्राफ है और ये है फर्म का ग्राफ। तो इंडस्ट्री में पहले यहाँ इक्विलिब्रियम होता है P1 के पर, P1 जो प्राइस है यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये ए पॉइंट जो है इसमें जो है वो SL ये जो है, ये प्राइस जो है, ये कितने प्राइस जो है वो फर्म इंडस्ट्री के अंदर सेट होगा जो फर्म चार्ज कर सकती है। और ये डिमांड कर्फ है और ये सप्लाई कर्फ है। जब डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होगा। लेकिन होता क्या है कि अगर डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, डी कर्फ शिफ्ट हो गया राइट पे, D2 हो गया। अब ये D2 आया तो क्या हुआ, उससे प्राइस में इजाफा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया, ए से सी पे चला गया इक्विलिब्रियम, प्राइस में इजाफा हो गया। तो फर्म्स जो है वो प्राइस में इजाफा कर देंगी, और फर्म जब ज़्यादा अर्न करेंगे प्रॉफिट तो वो अपनी क्वांटिटी में भी बढ़ा देंगी, Q2 कर देंगी वो अपनी क्वांटिटी। लेकिन होगा क्या कि बाकी फर्म्स जब देखेंगी कि इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो और ज़्यादा फर्म जो है वो इंटर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में होता क्या है कि फर्म्स इंटर हो सकती हैं मार्केट के अंदर। तो जब बाकी फर्म्स इंटर हो जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। जब सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो प्राइस दोबारा वही हो जाएगी जो पहले थी, तो फिर फर्म्स जो पहले मौजूद थी उनको भी प्राइस दोबारा गिरानी पड़ जाएगी, क्योंकि अब जो है वो प्राइस गिर रही है बाकी फर्म्स के इंटर होने की वजह से। ये तो था कांस्टेंट कॉस्ट का, अब है इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रही है तो उसमें क्या होता है, अब जब इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है तो फर्म सबसे पहले जो प्राइस चार्ज करती है वो ये प्राइस चार्ज कर रही है, यहाँ पे क्वांटिटी और जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो यहाँ पे D1 एंड S1 इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जब डिमांड में इजाफा होता है, जब डी कर्व शिफ्ट करता है तो वो यहाँ ऊपर आ जाता है और प्राइस जो है वो बढ़ गई, ये देख सकते हैं, और क्वांटिटी भी फर्म्स अपनी बढ़ा देंगी। लेकिन जब बाकी फर्म्स देखती हैं और वो इंटर होने शुरू हो जाती हैं तो फिर दोबारा प्राइस गिरती है, लेकिन वो प्राइस इतनी नहीं गिरी इस बार P1 जितनी, प्राइस जो है वो P3 हो गई, क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट है। ये वो इंडस्ट्री जहाँ पे जो इनपुट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस जो है वो यहाँ पे आ जाएगी बी पॉइंट पे आ जाएगी, सप्लाई कब जब शिफ्ट हो जाएगा, जब बाकी फर्म इंटर हो जाएंगी तो ये प्राइस फिर चार्ज करेंगी फर्म्स। और फिर तीसरा जो केस है वो है डिक्रीजिंग कॉस्ट का। अब ये यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है वो इनपुट की जो कॉस्ट है उसमें डिक्रीजिंग हो रही है, उसमें कमी आती जा रही है। तो पहला जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस पॉइंट पे होगा जब D1 और S1 बराबर, यानी सप्लाई और डिमांड। उसके बाद जब डिमांड में इजाफा हो जाएगा, डिमांड कब शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ प्राइस आ जाएंगे, यानी P2 पे आ जाएंगे प्राइस।
लेकिन जब फर्म देखेंगी कि बाकी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो फिर डिमांड कर्व जो सप्लाई कर्व यहाँ शिफ्ट कर गया, और अब इस बार जो सप्लाई कर्व शिफ्ट किया है तो प्राइस P1 से भी नीचे आ गए, प्राइस इतने ज़्यादा नीचे आ गए। और क्यों नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग कॉस्ट है, यानी कि इनपुट की जो कॉस्ट है उसमें गिर रही है वो। अब है लेक्चर नंबर 26, जिसका टाइटल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉम्पिटेटिव सप्लाई, द इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। अब लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो एक इंडस्ट्री में कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जहाँ पे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होती है, वहाँ लॉन्ग रन जो सप्लाई होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो स्मॉल इंक्रीज होने से प्राइस में क्या होगा, इंड्यूस करेगा वो एक्सट्रीमली लार्ज आउटपुट इंक्रीज, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो आउटपुट में इजाफा होगा जब स्मॉल इंक्रीज होता है प्राइस में। और लॉन्ग रन सप्लाई इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, इन्फिनेटली लार्ज होती है, जो लॉन्ग रन सप्लाई इलास्टिसिटी होती है। और इनपुट जो है वो रेडिली अवेलेबल होगा इन एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। अब इंक्रीजिंग जो कॉस्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पे आउट इनपुट की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, वहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग रन सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि ऊपर की तरफ स्लोप जा रहा है उसका, और इलास्टिसिटी वहाँ पॉजिटिव होगी। तो द स्लोप इलास्टिसिटी विल डिपेंड करती है रेट ऑफ द इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट के ऊपर। लॉन्ग रन इलास्टिसिटी जनरली भी ग्रेटर देन द शॉर्ट रन इलास्टिसिटी सप्लाई। जो लॉन्ग रन इलास्टिसिटी होती है वो जनरली तौर पे ज़्यादा बड़ी होती है शॉर्ट रन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। अब यहाँ पे एक केस स्टडी थोड़ा सा दिया गया है क्वेश्चन के फॉर्म में, कि सिनेरियो वन दिया गया है कि ओनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग, एक हाउसिंग स्कीम के लिए हाउस बन रहा है सपोज, तो सब अर्बन या रूरल एरियाज़ में बनता है, तो क्या होता है कि उसकी जो लैंड की कॉस्ट होती है वो कम होती है। तो जो मार्केट्स फॉर इनपुट, अब जो मार्केट की प्राइस और मार्केट में जो इनपुट प्राइस है असल प्राइस वही है, जो लैंड कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट के बजाय यहाँ पे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि जो कॉस्ट असल में आई वो बनने की ज़्यादा आ रही है, वहाँ लैंड की कॉस्ट इतनी नहीं है, जबकि और इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनेटली टू लार्ज होगी यहाँ पे। और सिनेरियो टू की अगर बात करें, तो वहाँ जो है अर्बन लोकेशन में हाउस बन रहा है, अर्बन में बनेगा तो वहाँ लैंड भी बहुत महंगी होगी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो होगी ही, तो वो जो है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है और वहाँ इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ टैक्स ऑफ एन आउटपुट ऑन अ कॉम्पिटेटिव फर्म्स आउटपुट, यानी कि टैक्स का क्या असर पड़ता है। तो टैक्स से जो असर पड़ता है वो यहाँ दिया गया है, ये थोड़ा ज़रा मुश्किल हो सकता है समझना। MC2 इज इक्वल टू द MC1 प्लस टैक्स, यानी कि टैक्स लगने के बाद जो है वो MC2 बन जाएगा। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का ये कर्व जा रहा है, लेकिन जब टैक्स लग जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट में इजाफा हो जाता है, और ये MC कर्व शिफ्ट हो जाता है यहाँ लेफ्ट पे। तो ये जो इजाफा हुआ है लेफ्ट होने के बाद, ये इजाफा हो गया है इसकी मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। अब ये जो इजाफा होगा ये क्या कहलाया जाएगा, ये टैक्स लगने के बाद इजाफा हो रहा है MC2 कर्व। अब क्वांटिटी पी पहले प्रोड्यूस हो रही थी आउटपुट की, अब जब टैक्स लग गया तो उससे क्वांटिटी में जो है वो कमी आ गई। प्राइस तो जाहिर बात है फर्म चेंज नहीं कर सकती, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म प्राइस चेंज नहीं कर सकती, इसी वजह से टैक्स लगने के बाद अब फर्म जो है वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, तो टैक्स का ये असर आएगा। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एन आउटपुट टैक्स ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे आउटपुट टैक्स का क्या असर पड़ता है। जब इंडस्ट्री पे आउटपुट टैक्स लगता है तो उसका असर यूँ पड़ता है कि ये डिमांड कर्व तो वैसा ही है, डिमांड कर्व तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि डिमांड सेम है, लेकिन जब टैक्स लग गया तो सप्लाई कर्व जो S1 था वो S2 पे शिफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि टैक्स लग गया। टैक्स लगने की वजह से क्या हुआ, उसकी प्राइस जो है P1 से P2 हो गई, प्राइस जो है उसमें इजाफा हो गया वो P1 से P2 हो गई, और क्वांटिटी जो है वो Q1 से Q2 हो गई, क्वांटिटी में जो है वो कमी आ गई और प्राइस में इजाफा हो गया। तो ये असर हुआ टैक्स लगने का, कि एक तरफ क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही थी उसमें कमी आ गई और जो प्राइस थे वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नाउ द इवेल्यूटिंग द गेन एंड लॉसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज से क्या गेन और लॉस होता है, तो कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस तो टोटल बेनिफिट या वैल्यू विच द कस्टमर रिसीव बियॉन्ड द पे फॉर द गुड्स। अब कस्टमर जितना पे करना चाह रहा है उससे कम कीमत में उसको जितनी कोई चीज़ मिलेगी उतना जो उसको हम कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। और प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब ये कि जितनी प्रोड्यूसर की कॉस्ट आती है और वो पे लेना रिसीव करना चाहता है उससे ज़्यादा उसको जितना मिल जाता है अमाउंट, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है। सपोज यहाँ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
ये कंज्यूमर जो है वो यहाँ से कंज्यूमर इतने से लेकर कंज्यूमर इतनी प्राइस पे करना चाहता है, लेकिन उसको सिर्फ यहाँ इतने प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। यानी वो इतने ज़्यादा प्राइस पे करना चाह कर सकता था, लेकिन उसको यहाँ इतने प्राइस फाइव प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये शो कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस को, यानी कि उसको इतना कम प्राइस पे करना पड़ रहा है जितने वो पे कर सकता था या पे करना चाहता था। और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो प्रोड्यूसर इतने प्राइस चार्ज करना कर सकता था, लेकिन वो इतने प्राइस चार्ज कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके, तो इसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। तो जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूसर को मिल रहा है वो कहलाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस, और जितना कंज्यूमर पे कर सकता था उससे कम जितना उसको पे करना पड़ रहा है वो कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। नाउ दी वेलफेयर इफेक्ट्स, टू डिटरमाइन दी वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी वी कैन मेजर द गेन एंड लॉस इन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। अब अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वेलफेयर इफेक्ट कितना है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, तो उसके लिए हम गेन या लॉस को मेजर कर सकते हैं कंज्यूमर या प्रोड्यूसर सरप्लस में। नाउ द गेन एंड लॉस इज कॉज बाय दी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। अब जो गेन एंड लॉस है उसको हम देखते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे सपोज गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दी है, इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, जो डिमांड एंड सप्लाई जहाँ बराबर है वो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, पी नॉट है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइस कम कर दी है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए कि मैक्सिमम प्राइस ये हैं, पी मैक्स जो है। तो अब उसका नुकसान क्या हुआ, क्वांटिटी क्यू नॉट से क्यू वन हो गई, क्वांटिटी बहुत कम प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। एक तरफ तो क्वांटिटी में बहुत कमी आ गई, ऊपर से क्या हो रहा है, डेड वेट लॉस हो रहा है, बी और सी का लॉस हो रहा है, बी और सी का लॉस हो रहा है, जो बी और सी है उसकी कमी आ रही है, बी और सी का लॉस हो रहा है। ये ऐसे यूनिट्स हैं, बी और सी ऐसा हिस्सा है जो ना प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ इससे, ना कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ। जब कंज्यूमर को गेन मिला इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी ए मिल गया कंज्यूमर को, बी नहीं मिला कंज्यूमर का, बी लॉस हो गया कंज्यूमर का और ए मिल गया कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को इतना गेन मिल गया, ए का गेन मिल गया, बी कंज्यूमर का लॉस हो गया। और जो लॉस टू प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, ए और सी का, ए और सी प्रोड्यूसर को लॉस हो गया। एंड तो ए और सी जो प्रोड्यूसर को लॉस हो गया, कंज्यूमर को बी का लॉस हो गया। तो बी और सी दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही लॉस हो गई, लेकिन ए कंज्यूमर को मिल गया, तो ये कहलाएगा बी और सी डेड वेट लॉस। ये किसी को नहीं मिला, ना प्रोड्यूसर को मिला ना कंज्यूमर को मिला। एक तरफ क्वांटिटी में भी कमी आ गई और बी और सी जो है ये हिस्सा ना प्रोड्यूसर को मिला ना कंज्यूमर को मिल रहा है। नाउ दी अब ये बताया कि चेंज इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस फ्रॉम दी कंट्रोल प्राइसेस। तो जो टोटल लॉस है वो है बी और सी का एरिया, और टोटल लॉस को किस तरीके से निकाला, टोटल चेंज इन सरप्लस ए माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस सी। अब ए माइनस बी जो है वो कंज्यूमर का सरप्लस का एरिया है, क्योंकि कंज्यूमर को ए मिला और बी नहीं मिला, तो ए माइनस बी एंड प्लस दी। अब जो प्रोड्यूसर का सरप्लस का है, सर प्रोड्यूसर ने ए भी लॉस किया और बी भी लॉस किया है, सी भी लॉस किया है, तो उसके बाद हमारा यहाँ आ जाएगा। सो टोटल डेड वेट लॉस जो होता है वो इनएफिशिएंसी होती है प्राइस कंट्रोल्स की, इनएफिशिएंसी को शो करता है। नाउ द इफेक्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। प्राइस कंट्रोल के क्या इफेक्ट हैं जब डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक जब होती है डिमांड, तो प्राइस जो है वो पी नॉट से पी मैक्स अगर हो गई, तो क्वांटिटी जहाँ Q2 प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ क्वांटिटी जो है वो Q1 प्रोड्यूस हो गई। तो कंज्यूमर को जो मिला गेन वो मिला A का, A जो गेन मिल रहा है वो कंज्यूमर को मिल रहा है, लेकिन जो लॉस कंज्यूमर का हो रहा है वो ये B वाला एरिया है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये जहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ये B का एरिया है और ये कंज्यूमर का लॉस हो रहा है, और जो प्रोड्यूसर है उसको ए और सी ये दोनों जो है वो लॉस हो रहे हैं। नाउ दी प्राइस कंट्रोल एंड नेचुरल गैस शॉर्टेज। अब अगर नेचुरल गैस की बात करें उसमें प्राइस कंट्रोल की, तो मैक्सिमम प्राइस जो सेट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने वो पी मैक्स 1.0 कर दिया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 2.0 है। तो इसमें क्या हुआ, तो गेन जो आया कंज्यूमर का वो आया रेक्टेंगल ए माइनस रेक्टेंगल बी, यानी कि ए गेन किया कंज्यूमर ने, लेकिन जो बी का एरिया है वो कंज्यूमर ने लॉस कर दिया। एंड लॉस टू द प्रोड्यूसर इज द रेक्टेंगल ए माइनस प्लस ए रेक्टेंगल सी का। प्रोड्यूसर को जो लॉस हुआ एरिया वो हुआ ए का भी लॉस हुआ और सी का भी लॉस हुआ, यानी ए वाला हिस्सा कंज्यूमर को मिल गया, बी वाला हिस्सा कंज्यूमर ने लॉस कर दिया, और प्रोड्यूसर ने ए और सी ये दोनों लॉस कर दिए। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ आ कॉम्पिटेटिव मार्केट।
सो वैन डू द कॉम्पिटिटिव मार्केट्स जनरेट एन इनफिशेंट एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज, कब जो है वो इनफिशेंट किस्म की एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट फेलर कब होता है, मार्केट फेल कब हो जाती हैं। सो एक्सटर्नैलिटीज कॉस्ट और बेनिफिट्स डू नॉट शो अप एज पार्ट ऑफ द मार्केट प्राइस। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या हैं, ये इसका मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जो माहौलियात से पैदा होती हैं, जैसे पॉल्यूशन है। एक्सटर्नैलिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो पॉल्यूशन है वो क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब कोई फर्म अगर पॉल्यूशन कर रही है तो उससे क्या कर रही है, वो नुकसान पहुँचा रही है, सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रही है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। कोई फर्म ने अगर पौधे लगा दिए तो वो फ़ायदा पहुँचाएगी सोसाइटी को, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। नाउ द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब, कि इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट्स कंज्यूमर फ्रॉम मेकिंग यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। अब कंज्यूमर के पास अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, वो इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकेगा जिसके ज़रिए वो अपनी यूटिलिटी को जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। तो ऐसे डिसीजन वो नहीं ले सकेगा अगर उसके बाद इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी कंज्यूमर के पास। और अब हमने ऊपर जो केस पढ़ाए गए आपको, उससे ये बात सामने आई कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से क्या होता है, कि गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन करती है उन मार्केट में जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मार्केट फेलियर अगर नहीं हो, उसके बगैर अगर गवर्नमेंट इंटरवें करेगी, मुदाखलत करेगी ऐसी मार्केट में जो फेलियर नहीं है, जो वर्क सही तरह कर रही है, तो वहाँ गवर्नमेंट जो है वो इनफिशेंसी कर देगी, यानी कि डेड वेस्ट लॉस होगा, उस मार्केट के अंदर लॉस होएगा। लेकिन अगर मार्केट फेल हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना फ़ायदेमंद होगा।